एक हफ्ते में $150 कौन सी ऐसी जॉब है जो कि आपको दे सकती है। बहुत सारे बंदों को यही लगता होगा कि कुछ सरकारी जॉब होगी, कहीं हमें ड्यूटी पे टाइम से जाना पड़ेगा, टाइम से उठना पड़ेगा, उनकी मर्जी से काम करना पड़ेगा और उनकी मर्जी से ही हमें आना पड़ेगा। तो सबको यही लगता है कि $150 अगर हमने कमाने हैं, कोई 40-45 हज़ार हमने कमाना है ना, तो उसके बदले हमें पूरा महीना काम करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मैं आज आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, सिर्फ 7 दिन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर $150 हमने कितने टाइम में कमा लिया होगा, डेली का 1 घंटा लगा के, सिर्फ डेली का 1 घंटा लगा के, और वो भी ऐसा घंटा के साथ में हम इंजॉय भी कर रहे होते हैं और साथ में हम अपना काम भी कर रहे होते हैं, और हमको ना तो टाइम पे उठने की जरूरत होती है, ना ही किसी की जॉब पे जाने की जरूरत होती है, घर बैठे हमने कमा लिया है। आप नहीं मानेंगे, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, अपने पेजेस पे जाके शो करवा देता हूँ कि भाई मैं कमा रहा हूँ, और वही चीजें आपको बताने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। लेकिन आप लोग तो फॉलो ही नहीं करते, यही कहते हैं कि तारिक भाई झूठ बोलता है, तारिक भाई खुद अर्निंग कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं बताता, लेकिन जब मेहनत की बारी आती है तो आप कहते हो कि यार ये मतलब हमसे नहीं हो रहा, ये तो हमसे हो ही नहीं रहा, हमारी वीडियो नहीं वायरल हो रही। ध्यान से देख लीजिएगा, 7 दिन के अंदर $150 हमारे बने हुए हैं, वो भी फेसबुक के एक पेज से, और वो कोई हमारा खुद का कॉन्टेंट नहीं है, वो हमारी खुद की वीडियो नहीं है, हमने यहाँ से उठाई है और फेसबुक पे लगा दिया है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो लाइव प्रूफ देख लीजिएगा, मोटिवेशन हासिल कर लीजिएगा, जो चीज आप चाहते हैं कि तारिक भाई भी हमें मोटिवेट करें तो वो हासिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बता भी दूंगा कि आपने करना क्या है, किस तरह करना है, सिर्फ सबर के साथ आपने स्टार्ट करना है, और एक दिन ऐसा आएगा कि $150 आपके 1 वीक में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और जाके लाइव प्रूफ देखते हैं, तो चलें लाइव प्रूफ देखने के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो सबसे पहले तो मैं आपको कंटेंट दिखा दूं कि हमारा कंटेंट वायरल हुआ है जिसके बदले हमें ये $150 मिल रहे हैं, उसके बाद अर्निंग प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने कॉन्टेंट के अंदर, यहाँ पे आप चेक कर लें 2.2 मिलियन व्यूज आए हैं सिर्फ और सिर्फ एक रील्स के ऊपर जो हमने शॉर्ट वीडियो डाली है। अब ये हमने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, फेसबुक के ऊपर। अब आपको अर्निंग भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं अर्निंग पे क्लिक करूंगा यानी कि मोनेटाइजेशन के ऊपर, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारा पेज ग्रीन है और यहाँ पे हमें एड्स और रील्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे आप चेक कर लें कि हमारे सामने $138 मतलब $140 तकरीबन बने हुए हैं, ठीक है, और ये हमारी है 7 दिन की अर्निंग, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर लें $100 हमें यहाँ पे फेसबुक की तरफ से बोनस दिया गया है, जबकि $38 जो हमें प्लेज वगैरह आए हैं ना हमारी वीडियोज के ऊपर उसके हमें मिले हैं। टोटल एक हफ्ते की जो अर्निंग है वो $150 के करीब है, ठीक है। तो इस तरह की अर्निंग आप भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये देख लें डेट वगैरह भी मेंशन है, कोई मतलब कोई मैं आपको पुरानी वीडियो नहीं दिखा रहा, आप चेक कर सकते हैं। अब ये आपने कैसे करना है वीडियो के लास्ट में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, उससे पहले मैं आपको टाइम भी दिखा दूं, यहाँ पे डेट भी आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारी मतलब जून जुलाई की मतलब जो हमारा पेज है ना ये उसकी अर्निंग चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अर्निंग करनी है। तो ये लाइव प्रूफ है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए आप फेसबुक से अर्निंग नहीं कर सकते, वो यहाँ पे चेक कर लें कि हमारे डॉलर बने हुए हैं, और यहाँ पे ये भी देख लें कि 7 दिन की अर्निंग है वो भी शॉर्ट फॉर्मेट के। होप्स हो कि अब आपको प्रूफ मिल चुका होगा। अब मैं आपको काम समझा देता हूँ कि काम करना कैसे है, बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कोई भी और रील्स वाला पेज ले लेना है। अगर आपके पास खुद का पेज नहीं है तो आपने मेरी वीडियोस को देख के खुद का पेज बना लेना है। उसके बाद आ जाना है जी टिकटॉक के ऊपर। अब मोस्टली लोग टिकटॉक के ऊपर आते हैं सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे आएंगे कंटेंट फाइंड करने के लिए। मैंने भी यहाँ से उठा के लगाया है, आपके सामने लाइव प्रूफ दिखा दिया है। तो यहाँ पे उठाना कैसे है, तो सबसे पहले आपने ये वाली एक्सटेंशन लगा लेनी है। इसका काम ये होगा कि आपकी जो भी वीडियोज होगी विदाउट वाटरमार्क ये डाउनलोड कर देगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्च बार में चले जाना है और यहाँ पे सर्च बार पे आपने कोई भी कीवर्ड लिखना है, ठीक है। आप कोई भी कीवर्ड लिख लें जिससे रिलेटेड आपका दिल करता है कि ये कंटेंट अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ हार्ड वर्क। अब यहाँ पे हार्ड वर्क के ऊपर मुझे यहाँ पे टॉप पे आ जाएंगे अकाउंट्स और वीडियोज वगैरह। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, वीडियोज के ऊपर क्लिक नहीं करूंगा। अब जैसे ही मैं अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं देखूंगा कौन सा अकाउंट मेरे लिए काम का है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने उसके फॉलोअर देखने हैं, उसकी वीडियो देखनी है, जिसके ज्यादा फॉलोवर होंगे, जिसके ऊपर ज्यादा वीडियोस होंगे,
कहूंगी आपने वो अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे ये देखें, ये वीडियो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रही तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, मैं ऐसा कॉन्टेंट नहीं मतलब निकालूंगा, ठीक है। उसके बाद मजीद थोड़ा सा नीचे आऊंगा, यहाँ पर मजीद एक अकाउंट और ओपन करके चेक कर लेता हूँ कि हमारे मतलब का अकाउंट है क्यों नहीं है, तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। मैं वापस आऊंगा, अब यहाँ पे अगर मुझे अकाउंट नहीं मिल रहा या मतलब मैं चाहता हूँ कि इससे भी अच्छा अकाउंट फाउंड करूँ तो मैं यहाँ पे आके अपना कीवर्ड चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा ट्रिक्स। अब ट्रिक्स लिखने के बाद सिंपल उसी तरह अकाउंट के ऊपर आ जाऊँगा, आपने भी सेम इसी तरह अपना कीवर्ड लगाना और उसके बाद यहाँ से वीडियो फाइंड करना स्टार्ट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखें, मैं इसकी वीडियो उठाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे ही नहीं हमने उठा लेनी, पहले इसको वेरीफाई करना है कि ये बंदा हमारे काम का है कि नहीं है। कैसे करना है, सिंपल आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसका नाम कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आ जाना है जी अपनी फेसबुक आईडी के अंदर और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो अगर इस बंदे का यहाँ पे पेज या आईडी शो ना हुई तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे चेक करें इसकी पेज शो हो रहा है हमें, ठीक है, और ये वेरीफाइड है, ठीक है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे मज़ीद एक और अकाउंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब ये मैं इतना डीपली आपको तभी समझा रहा हूँ कि बाद में आपको इशू आ जाते हैं, तारिक भाई पेज ख़राब हो गया, तो वो पेज जो ख़राब होता है ना वो आपके कंटेंट की वजह से होता है, तो आप यहाँ पे मेहनत कर लिया करें, इस बात को समझ लिया करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये एक और अकाउंट है, मैं इसको भी वेरीफाई कर लेता हूँ, अगर इसका भी पेज ना हुआ तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज मैं इसको भी स्किप कर दूँगा। तो यहाँ पर ये देखें, इसका भी टॉप पर पेज आ रहा है। तो इस तरह आपने सबसे पहले इस चीज़ को वेरीफाई कर लेना है, अगर आपको अकाउंट नहीं मिल रहा तो आपने मजीद मेहनत करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें, इस तरह का अकाउंट मुझे मिल गया है, मैं इनको यहाँ से क्लिक करके ना ये देखें डाउनलोड कर लूंगा, बहुत ही आसान है, ठीक है, विदाउट वाटरमार्क यहाँ पे हमारी डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको अपलोड करूंगा। अपलोड करने से पहले मैंने इसके चंद वायरल हैशटैग निकालने हैं। अब वायरल हैशटैग जो ट्रेंडिंग पे चल रहे होते हैं मोस्टली लोगों को नहीं पता, तो मैं ये चैट जीपीटी का यूज करता हूँ जो कि एआई है। मैं पे आके लिखता हूं कि मुझे वायरल हैशटैग चाहिए, तो वो उसी डेट के ना हर किस्म की कैटेगरी से रिलेटेड यहां पे मुझे हैशटैग निकाल के दे देती है। तो ये ट्रेंडिंग पे है, ये देख ले आप, मैं इनको कॉपी करूंगा, उसके बाद सोशल मीडिया चैलेंज, उसके बाद नीचे कुछ और हॉलीडेज से रिलेटेड ये कीवर्ड जो कि ट्रेंड कर रहे हैं आजकल, उसके बाद पॉप कल्चर और नीचे काफी सारे दूसरे कीवर्ड्स हैं। तो मैं यहां पे जो अपना कीवर्ड है ना, मतलब जो मेरा टॉपिक है, मैं उससे रिलेटेड यहां से कीवर्ड्स को कॉपी कर लूंगा। अब कॉपी आपने इसको ऐसे नहीं करना, इसको आपने सेव करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा अपने नोट पैड के ऊपर, क्यों करूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी, तो नेट इश्यू की वजह से थोड़ा सा कॉपी होने में लेट हो रहा है। ये कॉपी हो गई, मैं अपना यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लूंगा ताकि मैं इसको सेव कर सकूँ, ठीक है। ये हमारा नोट पैड आ गया है, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, प्लस के निशान पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे इनको सेव कर लूंगा। सेम इसी तरीके से आपने ये वाले कीवर्ड्स को सेव कर लेना है और ताकि आपको बार बार ये निकालने की जरूरत ना पड़े। जब एक दफा आप वायरल हैशटैग निकाल लें तो उसको आप सेव कर लें सेम, मतलब क्योंकि हमने इसको डेली यूज करना होता है, डेली हमने वीडियोस को अपलोड करना होता है, तो इसी तरीके से हमने इनको सेव कर लेना है, ठीक है। तो बहुत सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अगर कोई आपसे रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है तो आप उसको मतलब स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो की चीज आपको समझ में आ गई है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे ना कीवर्ड्स को कॉपी कर लेना है या हैशटैग्स को कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके सिलेक्ट ऑल करके ना इन सबको सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी अपने पेज के ऊपर, अब अपलोडिंग का टाइम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना पेज सिलेक्ट कर लेना है, जिस पेज के ऊपर भी आपने रील्स का ऑप्शन ऑन किया हुआ है या आप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने रील्स पे क्लिक करना है, ऐड वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी वो वीडियोज पड़ी हुई है ना, आपने वहां से निकाल लेनी है। तो यहाँ पे ये मेरे एक फोल्डर में यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, आई थिंक ये नहीं है, ये ऊपर वाला फोल्डर होगा। तो यहाँ पे ये देखें, ये भी नहीं है, मैं अपना पेज के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेंट पड़ा हुआ है, ये देखें ये आ गया वीडियो, मैं इस पेज पे ये वीडियोस लगाना चाह रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैं इसको लगा लेता हूँ और इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे अपलोडिंग होने देता हूँ और उसके बाद जो हमने ये वाले हैशटैग निकाले थे ना, इन मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो इतना काम करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल सिर्फ ये है कि आपने अच्छा कॉन्टेंट फाइंड करना है। अगर आपका कॉन्टेंट जानदार है तो आपकी अर्निंग होगी, अगर आपका कॉन्टेंट ही जानदार नहीं है तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने थंबनेल लगा लेना है, अगर चाहें तो खुद से भी अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, फिर इसको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे ये देखें, ये हमारी रील्स अपलोड हो चुकी है, बस इतना काम करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं बार बार वीडियोज में आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपने फेसबुक को यूज करते हुए अपनी लाइफ चेंज करनी है। तो यहाँ पे ये चेक कर लें, ऑलरेडी हमारी वीडियोज पहले भी अपलोड हो चुकी हैं,
है, अगर आप अपलोड करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं, तो उसके बदले में आपको इस तरह का रिवार्ड मिलेगा। मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, यहाँ पर ये देखें $139 हो चुके हैं, ठीक है, मतलब हमारे बढ़ रहे हैं। जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो $138 थे, लेकिन अभी जो हमने चेक किया है तो $1 आपको ये वीडियो बनाते बनाते भी हमारा बढ़ चुका है। तो ये अर्निंग कुछ इस तरह से आपको मिलेगी, और इसी तरीके आप फेसबुक को इस्तेमाल करते हुए उससे अर्निंग कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हुए। तो होप्स हो कि मेथड आपको समझ में आ गया है, उम्मीद करूंगा कि आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।